हाय गाइस, कैसे हो अब सब? सुबह की नमस्कार। सुबह के तकरीबन 9 बज चुके हैं तो मैं आ गई हूँ किचन में। आज लेट हो गई क्योंकि एतवार का दिन था ना, तो सुबह सुबह मैंने कपड़े धो डाले थे मशीन में कि लाइट चली जाती है, लाइट को कोई पता नहीं होता इसलिए कपड़े बहुत सारे थे तो मैंने अभी सफाई भी नहीं करी है। ये देखो कितने सारे कपड़े धोए हैं मैंने सुबह सुबह ही। बस भाई इतने सारे कपड़े धो रहे हैं। अभी हम आ गए हैं किचन में तो लाइट तो चली गई है। ये देखो आज मैंने पालक की सब्ज़ी तोड़ी है। पालक तोड़ा है थोड़ा सा जो मैंने अभी अपने छत पे उगाया था। तो थोड़ी सी भिंडी है, आलू डाल के बनाएंगे हम। अब तो हम चाय पिए सुबह बाबा और कुछ तो किया ही नहीं है। मैं अपना किचन गार्डन दिखाती हूँ आप सबको, छोटा सा जहाँ पे उगाई थी मैंने पालक। यहाँ से थोड़ी है ये देखो, थोड़े से करेले के बीज लगाए हुए, थोड़े बीज मैंने उधर वो लगा दिए हैं, मटर के बीज बोए हैं यहाँ पे। ये देखो मैंने करेले के बीज लगाए हुए हैं, ये मैंने कपड़े धोए हैं अभी सारे। ये थोड़े से भिंडी के पौधे लगाए थे, फूल भी लगाए हुए हैं, नीचे तुलसी वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है। तो मेरी दोनों बेटी चूल्हे पे हम खाना बनाएंगे। अभी ये चूल्हा रखा हुआ है छत के ऊपर, तभी हम खाना इस पर ही बनाएंगे। और मेरे पति देव जो नीचे चले गए हैं अभी दुकान पे, वो दुकान करते हैं। तो अभी मैंने कोई सफाई भी नहीं करी है, बेड पर ऐसे पूरा खिलारा पड़ा हुआ है। तो अभी हम खाने की शुरुआत करते हैं। 7:00 के तकरीबन टाइम हो चुका है, 2 बत्ती कुछ नहीं करा है मैंने, तो ऐसे टाइम हो जाता है बस काम में। तो अब हम करेंगे खाने की तैयारी कि हम लेट ही खाते हैं खाना थोड़ा। ये पालक हमने घर की पालक है, ये थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी आलू डालेंगे फिर हम ये खाना तैयार करेंगे। अभी सिर्फ हमने चाय पी है, कुछ नहीं। रात की रोटी बची हुई थी। बाय गाइज़।